हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के एलईडी स्मार्ट टीवी का। एक एंड्रॉयड टीवी है और 43 इंचेस का ये टीवी है। इसका मॉडल नंबर है JSW43ASFHD। तो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा इंस्टॉलेशन इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूँगी। और एलईडी स्मार्ट टीवी जो है मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं, तो बहुत कंफ्यूजन है किस तरीके का टीवी परचेज करना चाहिए। तो मैंने 2-3 दिन काफ़ी सर्च करके इस टीवी को परचेज किया है और मैंने क्यों परचेज किया, कई रीज़न है इसके पीछे, तो वो सभी मैं इस वीडियो में आपके संग बताऊंगी। पहला तो ये है कि ये जो है रीजनेबल प्राइस में 43 इंचेस का ब्रांडेड एलईडी टीवी मिल जाता है और इसकी जो है ब्रांड जापनीज ब्रांड का टीवी है, तो उसकी क्वालिटी पर भी भरोसा किया जा सकता है। और ये टीवी जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, तो ये भी एक रीज़न है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पीछे की तरफ बॉक्स के इसकी एमआरपी प्रिंट है जो कि आपको दिख रहा होगा। इसकी एमआरपी 37,290 रुपीज़ है, पर मैंने इसको फ्रेंड्स 21,749 रुपीज़ में परचेज़ किया था, क्योंकि उस टाइम कुछ बैंक का डेबिट कार्ड का ऑफर चल रहा था। तो ये घर पर डिलीवर हो गया है और अमेजन से मैंने परचेज़ किया था इसको, और ये डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं और उसको ओपन करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है और ये ओपन कर रहे हैं अभी टीवी को, तो आप देखते रहिए। इस तरीके से काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये थर्माकोल हटा दिया है और धीरे धीरे अब ये टीवी को निकालेंगे। साइड से भी इसमें थर्माकोल लगे हुए थे। ऑर्डर करने के 3-4 दिन बाद ही मुझे ये टीवी रिसीव हो गया था। अमेजन से ही मैंने परचेज़ किया है इसको, और परचेज़ करने से पहले मैंने सैमसंग वाले जो कस्टमर केयर सर्विस है उसमें भी मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड होगी। तो उन्होंने बताया जैसे ऑन साइट सर्विस देंगे, जहाँ भी आपका टीवी होगा तो वहाँ पर आकर ये सर्विस देंगे इसकी। तो इस वजह से ही मैंने परचेज़ किया। इसकी मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है सैमसंग वालों की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बॉल माउंटेन किट है, तो ये भैया ने पीछे से हटा दी है। अब ये जैसे पॉलीथिन में से निकाल रहे हैं और ये निकल के आ गया टीवी। इस तरीके का टीवी है और मतलब ये है कि कुछ भी डैमेज नहीं है टीवी में, बिल्कुल सही कंडीशन में टीवी हमें रिसीव हुआ है। और ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है टीवी का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे टीवी रिसीव हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड है टीवी की, और इसमें कुछ पाउच आया हुआ है, उसमें काफ़ी एक्सेसरीज मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है इसमें, जैसे और पॉलीथिन को ओपन करके एक ही चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वॉल माउंटेन किट है, खोल के दिखा देती हूँ। इसमें स्क्रू हैं कुछ और ये सब एक्सेसरीज हैं जो, और यहाँ पर पॉलीथिन में हमें एक स्मार्ट रिमोट मिल जाता है। ये स्मार्ट रिमोट है और इसमें और भी चीज़ें हैं। ये जो है केबल दे रखी है और इसमें और भी जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वारंटी कार्ड है, 1 साल की वारंटी आती है, जो कि मैंने ऑनलाइन ही इसको रजिस्टर करवा दिया था। और इसमें एक मैनुअल है जो कि टीवी को किस तरीके से ऑपरेट करना है सभी इसमें बताया गया है। और इसमें देखिए पूरा बताया गया है कि टीवी को किस तरीके से ऑपरेट करना है। और इसमें एक जो है टेबल स्टैंड भी मिल जाता है, टेबल टॉप, अगर आपको वॉल पर माउंट नहीं करना है टीवी को, तो इस तरीके से स्क्रू मिल जाती हैं कुछ, तो टेबल पर आप इसको कस के और टेबल पर भी रख सकते हैं टीवी को। और इसमें कुछ सेल मिल जाती हैं, तो ये सब हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर साइड में ये स्टिकर लगा हुआ है, इसमें क्रोमकास्ट फीचर भी दे रखा है, मोबाइल की पूरी स्क्रीन टीवी पर डिस्प्ले हो जाएगी। और ये मैंने पुराना वाला ही स्टैंड यूज़ किया है क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और इसी पर टीवी वॉल पर माउंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, टीवी रिसीव होने के बाद कम से कम 1 घंटे के अंदर ही सैमसंग वालों को कस्टमर केयर को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को भेज दिया था और उन्होंने पूरा मेरा टीवी वॉल पर माउंट कर दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इंस्टॉलेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो इस तरीके से सैमसंग वालों की सर्विस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पीछे की तरफ 2 HDMI पोर्ट दे रखे हैं और 2 USB पोर्ट दे रखे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, टीवी ओपन हो गया है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, टीवी, डेली प्ले, यूट्यूब और गूगल प्ले, म्यूजिक और प्ले स्टोर, ये सभी इंस्टॉल हैं। और इसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले का सपोर्ट दिखा रहा है। पर फ्रेंड्स, इसमें
जैसे डिज्नी हॉटस्टार, इसको मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब, गूगल प्ले, ये सब दिखा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा स्क्रीन दिख रही है, काफ़ी क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है और साउंड भी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो टीवी तो मुझे अच्छा लगा। और ये टीवी 2 स्टार पावर सेविंग प्रोवाइड करता है और इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे ओके गूगल यानी कि गूगल सर्च को भी ये सपोर्ट करता है, अच्छा काम करता है ये, मैंने इसको ट्राई भी करके देखा था। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है टीवी की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टीवी की लिंक शेयर कर दी है फ्रेंड्स, तो वहाँ से जाके आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और कभी कभी ऑफर भी चलते रहते हैं, तो वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टीवी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये टीवी किस तरीके का लगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।